हेलो दोस्तों, एसेट कंपाउंडर अकेडमी आप सभी का वेलकम करता है। दिस इज़ प्रियंका सिंह। टुडेज टॉपिक इज़ प्री एंड पोस्ट मार्केट सेशन इन स्टॉक मार्केट। हम समझने वाले हैं कि ये दो सेशंस क्या होते हैं, डीपली हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो व्हाट इज़ प्री मार्केट सेशन इन स्टॉक मार्केट। तो इंडियन मार्केट ओपन बिटवीन 9 AM एंड 9:15 AM फॉर अ प्री मार्केट सेशन। मीन्स जो प्री मार्केट सेशन है इंडियन स्टॉक मार्केट की, जो प्री मार्केट सेशन की टाइमिंग 9 to 9 PM वाला जो सेशन है उसे हम प्री मार्केट सेशन कहते हैं। प्री मार्केट सेशन हैज़ बिगेन, मतलब कि इंडिया में जो ये सेशन है 2010 से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले ये सेशन नहीं था। दिस 15-मिनट सेशन बिफोर द एक्चुअल मार्केट ओपनिंग हेल्प अस टू स्टेबलाइज वोलेटिलिटी एंड यूजुअल मोमेंट इन द मार्केट ड्यू टू द मेजर अनाउंसमेंट। मीन्स ये जो सेशन है, इस सेशन को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्या होता है कि जो मार्केट में जो भी अनाउंसमेंट होते हैं, मेजर अनाउंस, उनकी वजह से जो भी मार्केट में मूव होता है उसको स्टैब्लिश करने के लिए और वोलेटिलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए इस सेशन की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इसे लाया गया। जो NSE प्री ओपन मार्केट इज सेम एज BSE, मतलब बोथ NSE एंड BSE का जो प्री मार्केट ओपन सेशन है बोथ सेम है। तो चलिए नेक्स्ट हम डीपली समझते हैं कि जो 15 मिनट का प्री मार्केट सेशन है इसमें क्या मेजरली क्या इवेंट्स होते हैं। तो जो 15 मिनट्स ऑफ अ प्री मार्केट सेशंस इज ब्रोकन इनटू अ 3 सब सेशन, मतलब कि जो 15 मिनट का जो हमारा प्री मार्केट सेशन है इसको 3 सब सेशन, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो होता है ऑर्डर एंट्री सेशन होता है फ्रॉम 9 AM टू 8 AM। 8 मिनट का जो सेशन होता है उसे हम ऑर्डर एंट्री सेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी प्लेसिंग एंड ऑर्डर टू बाय या सेल स्टॉक्स, इसमें हम ऑर्डर प्लेस करते हैं या जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं और कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें ये ऑर्डर एंट्री सेशन है। इसमें हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं सब सेशन है उसमें ऑर्डर मैचिंग सेशन। मीन्स 9 8 AM टू 9:12 AM जो 4 मिनट का सेशन होता है उसे हम ऑर्डर मैचिंग सेशन कहते हैं, जिसमें ऑर्डर जो भी ऑर्डर प्लेस किए गए हैं उसको हम मैच करते हैं और क्या करते हैं, ऑर्डर कन्फर्मेशन एंड ऑर्डर मैचिंग कैलकुलेट द ओपनिंग प्राइस ऑफ स्टॉक फॉर अ नॉर्मल सेशन। मतलब कि ऑर्डर मैच करते हैं क्या, इससे क्या हो, नॉर्मल सेशन के लिए हम तैयार होते हैं। इसमें ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन नॉट बाय और सेल। इस टाइम में जो ऑर्डर मैचिंग सेशन है इसमें आप बाय सेल नहीं कर सकते और ना ही मॉडिफाई और कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्री मार्केट का थर्ड वाला जो सब सेशन है बफर सेशन, 9:12 AM टू 9:15 AM के बीच में जो हमारा सेशन रहता है ये बफर सेशन कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जो भी फैसिलेट द ट्रांजेक्शन फ्रॉम प्री ओपन टू रेगुलर मार्केट, मतलब जो भी हमारा रेगुलर मार्केट आफ्टर 9:30 स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो भी फैसिलेट हुआ है, जो भी हुआ है उस पर ट्रांजेक्शन जो भी है उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि वॉट इज़ पोस्ट मार्केट क्या होता है, पोस्ट मार्केट सेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पोस्ट मार्केट होता है उसकी टाइमिंग 3:30 to 4 PM होती है, उसी सेशन को हम पोस्ट मार्केट सेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 सब सेशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो 3:30 to 4:40 PM वाला जो सेशन होता है वो क्लोजिंग प्राइम कैलकुलेशन सेशन होता है, मतलब कि जो हमारा 3:30 to 3:40 PM क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन सेशन होता है। ड्यूरिंग दिस 10 मिनट द एक्सचेंज कैलकुलेट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ ऑल द स्टॉक्स इंडेक्सेस एंड डेरिवेटिव्स, जो भी स्टॉक इंडेक्स और डेरिवेटिव्स के जो क्लोजिंग प्राइस है उसको कैलकुलेट करती है। द क्लोजिंग प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय द वेटेज एवरेज प्राइस फ्रॉम 3 PM टू 3:30, मतलब 3 से 3:30 PM के बीच में जो प्राइस का बेस पे, जो भी प्राइस का बाय सेल हुआ है उसके बेस पे हम क्लोजिंग प्राइस का एवरेज कैलकुलेशन वेटेज करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं जो सेकेंड सब सेशन, मतलब कि उसके अंदर दो जो सेकेंड होता है 3:40 to 4 PM जो फेज होता है उसको हम उस फेज को क्या करते हैं, उसको वो जो फेज होता है उसको ट्रेडिंग सेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दिस क्लोजिंग प्राइस इज कैलकुलेटेड द एक्सचेंज ओपन अप फॉर अ लास्ट राउंड, मतलब लास्ट राउंड स्टार्ट होता है ट्रेडिंग का। दिस सेशन फ्रॉम जो सेशन का टाइमिंग होता है 3:40 to 4 PM, इसमें हम यू कैन बाय और सेल ऑर्डर
कोई भी ऑर्डर को आप बाय और सेल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि जो जैसे कि यू कैन ओनली बाय डिलीवरी ऑर्डर, ये 3:40 to 4 PM वाला जो सेशन है उसमें आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर को बाय कर सकते हैं। नो इंट्रा ऑर्डर, इंट्रा डे ऑर्डर आर प्ले अलाउ, यहाँ पे इंट्रा डे ऑर्डर अलाउ नहीं है। यू कैन ओनली ट्रेड इन कैश सेगमेंट, कैश सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। नो ट्रेडिंग इज अलाउ इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो एग्जैक्ट जो भी क्लोजिंग प्राइस, जो भी उस स्टॉक्स या इंडेसिस का जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसी पे वो ऑर्डर प्लेस होगा, क्योंकि वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बहुत लो है, होती है इस सेशन में, इसीलिए ऐसा होता है। तो आज आपने समझा कि प्री एंड पोस्ट मार्केट सेशन इन स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे डिटेल्स को समझा हमने। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।